हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, काफ़ी बार ऐसा होता है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको सिलाई का काम बिल्कुल भी नहीं आता है। तो मेरे पास काफ़ी बार मैसेज भी आते हैं कि कुछ ऐसा बताएं जिसमें सिलाई का इतना काम ना हो और हम अपने सोफ़े को नया लुक दे सकें। तो उन्हीं लोगों के लिए आज की ये वीडियो है। इस वीडियो में आपको सिलाई वगैरह का कोई काम नहीं करना, आप सिंपली अपने सोफ़े को नया लुक दे पाएंगे। तो वो कैसे करेंगे मैं आप लोगों को बता देती हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें उसके लिए एक फैब्रिक की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। अगर आपके पास कोई भी नेट का फैब्रिक हो या कुछ इस टाइप का नेट का फैब्रिक हो, जैसे कि आप ये दे सकते हो, ये थोड़ा जाली टाइप का जो नेट होता है वो ये नेट है और काफ़ी सुंदर ये लगता है। अगर जब आप इसको अपने सोफ़े पर डालेंगे तो आपको खुद को भी लगेगा, क्योंकि एक प्लेन जो नेट होता है उससे कोई इतना लुक नहीं आता। लेकिन अगर आप ये डिज़ाइन वाले जो नेट होते हैं, ये आप मार्केट से अगर लेकर आते हैं, तो इसे सोफ़े पर लगाने से काफ़ी सुंदर लुक भी आएगा। तो अगर आपके आसपास कोई भी शॉप है जो अगर जहाँ पर आपको थोक में मिल जाए फैब्रिक, तो आप वहाँ से ला सकते हैं। अदरवाइज़ ये हर मार्केट में जो भी शॉप होती है जहाँ पर फैब्रिक्स मिलते हैं वहाँ पर आपको इजीली मिल जाएगा। लेकिन अगर आप थोक की शॉप से लाते हैं तो आपको 300 रुपये में ये फैब्रिक मिल जाएगा अगर आप लेकर आते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर यही कर रही हूँ कि कैसे हम नेट के फैब्रिक से अपने सोफ़े को न्यू लुक दे सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको सिलाई का काम बिल्कुल भी नहीं आता है। तो वो बहुत आसानी से इस तरीके से अपने सोफ़े को का कवर बना सकते हैं। तो चलिए हम कैसे बनाएंगे, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे जो भी आपका सोफ़ा है आप फैब्रिक लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ एक और बात शेयर कर रही हूँ कि जब भी आप ये कपड़ा ख़रीदें तो आप इसका अर्ज का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि जैसे आप फिर ये कहेंगे कि आपने 4 मीटर में कहा था कि 5 सीटर सोफ़े का कवर ईज़िली बन जाएगा, तो फ्रेंड्स उसका जो ये मैं आपको चौड़ाई दिखा रही हूँ वो कम आती है। तो इसलिए जब भी आप ख़रीदें तो अर्ज़ ज़रूर देखें कि चौड़ाई आपकी पूरी हो, कम ना हो, क्योंकि बहुत से फैब्रिक की चौड़ाई कम होती है, तो ये ज़रूर ध्यान में रखें। उसके बाद जैसे जो भी आपके सोफ़ा है आपको उसके ऊपर इस कवर को रखना है। बस आप नॉर्मल तरीके से इसको रखें, अच्छे से इसको सेट कर लें, कुछ ज़्यादा इसमें आपको नहीं करना, सिलाई का काम तो बिल्कुल ही नहीं करना है जैसे कि मैं बोल चुकी हूँ। और आपको बस ये चौड़ाई देख लेनी है आपके सोफ़े की कितनी है, उससे हल्का सा आपको फालतू लेना है जो साइड में दबाना पड़ेगा हमें, और आपको सीज़र से एक बार उधर कट कर लेना है कि आपको पता चल जाए कि आपको इतना फैब्रिक की ज़रूरत है, तो फिर आपको उतना फैब्रिक फोल्ड करना है और आपको कट कर लेना है। तो यहाँ पर आपको अच्छे से मेज़रमेंट ले लेना है आपके सोफ़े का, और थोड़ा सा कपड़ा अगर फालतू लेंगे तो अच्छा ही होगा, क्योंकि हमारा छोटा नहीं पड़ेगा कपड़ा। तो थोड़ा सा फालतू लेकर मैंने यहाँ पर इस सीज़र से थोड़ा कट कर लिया था ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि इतना मुझे फैब्रिक चाहिए। उसके बाद बस मैंने इसको कट कर लिया है। जैसे यहाँ पर मैंने जो ये बड़े वाला सोफ़ा है उसका कट किया है, तो सेम वैसे ही हमें छोटे सोफ़े के लिए कट करना है। जैसे कि 5 सीटर सोफ़े का बना रहे हैं हम कवर, तो यहाँ पर मैंने एक और चीज़ की, मैंने यहाँ पर दो जो छोटे सोफ़े होते हैं वो दो होते हैं, तो मैंने डबल कर लिया है इसको फोल्ड, क्योंकि छोटे जो सोफ़े होते हैं वो दोनों सेम साइज़ के होते हैं। तो बस मैंने डबल फोल्ड किया फैब्रिक को और एक सोफ़े के साथ ही मैंने दोनों सोफ़े का कवर मैंने कट कर लिया है यहाँ पर। तो बस मैंने रखा और सीज़र से इसको कट किया, और अब इसको मैं सेट करके पूरा कट कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने दो सोफ़े के कवर, दो छोटे वाले सोफ़े का एक साथ ही मैंने फैब्रिक कट कर लिया है, तो बस इतना ही करना था। और फ्रेंड्स, यहाँ पर सोफ़े का कवर तो हमारा कट कर रेडी हो गया है, लेकिन अगर आप इसको और ज़्यादा मजबूत बनाना चाहते हैं तो ये साइड से आप इसको फोल्ड कर ले, या फिर आप कोई भी पाइपिंग लगा लें। जैसे आप देख रहे हो ये जो धागे वगैरह निकल रहे हैं तो ये निकलेंगे नहीं, तो क्या तो आप इसको फोल्ड कर ले या पाइपिंग कर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बस मैंने आपको सिलाई का काम यहाँ पर नहीं बताया था, तो इसलिए मैं आपको स्टिच कर नहीं दिखा रही हूँ। तो बस इतना ही था, यहाँ पर बस हमने मेज़रमेंट लिया, फैब्रिक को कट किया, और कट करने के बाद हमने इसको अपने सोफ़े पर लगा लिया है। तो इस तरीके से मैंने बड़े सोफ़े का और दोनों छोटे सोफ़े के लिए कवर कट किए थे, तो यहाँ पर मैंने इनको अच्छे से सेट कर लिया है। तो जैसा कि मेरा जो सोफ़ा सेट है वो जूट का सोफ़ा सेट है, तो जिस पे अगर मैं कोई भी कपड़ा लगाती हूँ तो वो स्लिप नहीं होता है, तो इसलिए मुझे थोड़ा फ़ायदा मिल जाता है। तो अगर आपका कोई गद्दी ऐसी है जो स्लिपरी है तो उसमें आप थोड़ा फैब्रिक का ध्यान रख लीजिए। तो यहाँ पर मैंने कट कर लिया है।
तो यहाँ पर जैसे मेरे कवर कट हो गए थे, तो जो बाकी का जो भी थोड़ा फैब्रिक बचा था, वो जो सेंटर टेबल होती है उसके लिए मेरा ये फैब्रिक बचा था, तो ये मैंने उस पर लगा दिया। तो ये फाइनली हमारा सोफे का कवर बनकर रेडी है।